आज का वीडियो मैं भारत की नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल के ऊपर लेकर के आई हूँ। भारत में नदियों को उनके उद्गम स्थल के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालयी नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयी नदी ऐसी नदियाँ होती है जो सालों भर जल से भरी हुई रहती है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ बीच बीच में सूख भी जाती हैं। इस प्रकार की नदियों में जल वर्षा पर भी निर्भर करता है। सबसे पहले हम हिमालय अपोह तंत्र के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत तीन प्रमुख तंत्र आते हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज जैसी नदियाँ आती हैं। गंगा नदी तंत्र में यमुना, चंबल, पुनपुन, दामोदर, कर्मनाशा, सोन, रामगंगा, घाघरा, शारदा, गंडक, कोसी, महानदी जैसी नदियाँ शामिल हैं। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में लोहित, दिबांग, देहांग, सुबरसिरी, मानस, संकोष, तिस्ता प्रमुख नदियां हैं। भारतीय अपोह तंत्र का दूसरा तंत्र है प्रायद्वीपीय भारत का अपोह तंत्र, जिसके अंतर्गत गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, माही, साबरमती, लूनी, सतरंजी, भादर, वैतरणा, काली, बेड़ती, सारावती, भारत पूजा, महानदी, प्रेरियार, स्वर्णरेखा, वंशधारा, वेगाई, पेनार, पलार जैसी नदियां आती हैं। आइए अब जानते हैं कि इन नदियों का उद्गम स्थल कौन कौन सा है।